हालेलुया का मतलब है यहाँ की स्तुति हो। हम लोग यहाँ भिन्न भिन्न भाषा के लोग हैं, लेकिन स्वर्ग में एक ही भाषा है। जब हम वहां जाएंगे तो हम एक ही भाषा करेंगे, और ये हालेलुया एक शब्द जो है ये स्वर्ग की भाषा है। प्रेज द लॉर्ड, ये फरिश्ते लोग बोलने वाली भाषा है, और प्रभु ने ये अनुग्रह किया आज हम पर कि हम लोग इस भाषा को बोल सकते हैं। सो आज हम प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय उसके 1 वचन आपके बाइबल में जिनके पास है आप माइक लेके पढ़िए। और हम लोग आज शाम प्रभु की कृपा से काफ़ी टाइम हमें दिया गया है, एक सेशन 8 बजे तक होगी और दूसरा सेशन जो है 8 से 9 और 9 से 10। बहुत बढ़िया, खुदावन आपको आशीष दे। हेलो या एंड आई शो इन द राइट हैंड ऑफ हिम दैट सेट ऑन द थ्रोन अ बुक रिटन विद इन एंड ऑन द बैक साइड शील्ड विद 7 सील्स। पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। मैंने उसके हाथ में एक पुस्तक देखी और पुस्तक 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। कल शाम हमने देखा कलीसिया काल के युगों में, आज शाम में कलीसिया काल के विषय में फिर नई बात करना चाहता हूं। मैं आपको मोहरों के विषय में बात करना चाहता हूं, और आज के वातावरण में ये मोहर कैसे हमारे सामने पूरी होती है उसके विषय में हम लोग आज शाम देखेंगे। और ध्यान पूर्वक आप सुनिए कि बाइबल कैसे अपने दिनों के अंदर भविष्यवाणियों की किताब पूरी होती चली जा रही है। सो वो सिंहासन पर एक बंद किताब थी, जो किताब जो आपके सामने दिखाई दे रही है, और इसमें 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। अब ये 7 मोहर को खोलने के लायक आसमान और जमीन में कोई नहीं था, लेकिन यूहान जब रो रहा था फुट फुट कर, तब एक वाणी आई आसमान से कि यूहन्ना मत रो, ये किताब खोलने के योग्य यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है। और जब यूहन्ना पीछे मुड़ा उसे देखने के लिए, तो वहां पर एक बद्ध किया हुआ लहू लुहान मेमने को देखा। मेमना मतलब भेड़, लेकिन आवाज आई सिंह की, दिखाई दिया भेड़। यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह भी है, और वो परमेश्वर का मेमना भी है जो आपके और हमारे पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना की किताब उसके 1 अध्याय 29 वचन में लिखा है, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप ले जाता है। जब यूहन्ना ने उसे देखा कि यीशु मसीह पानी में आ रहा था बपतिस्मा के समय, तब वो मेमने के रूप में दिखाई दिया। लेकिन जब भी आवाज आई आसमान पर, तो वो सिंह गरजने की आवाज आई, क्योंकि वो यहूदा गोत्र का सिंह है, इसीलिए वो सिंह की आवाज करता है। लेकिन सिंह वो किताब को नहीं खोल सकता, क्योंकि सिंह बलिदान का वस्तु नहीं है, बलिदान का वस्तु मेमना है। सिंह राजाओं का राजा है। तो मेमना जाकर उस किताब को खोलता है। आज शाम अनेक भविष्यवाणियों को हम लोग देखने जा रहे हैं। चंगाई पर मैं जरूर विश्वास करता हूं, लेकिन चंगाई सभाओं पर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तू विश्वास करे तेरे लिए क्या बातें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं प्रार्थना के कतार में जो लोग आते हैं उस पर भरोसा नहीं करता। जो वचन सुनते हैं, वचन सुनते सुनते प्रभु चंगाई को आपके ऊपर लेकर आता है। खाली आपने वचन को आमीन कहना है। हालेलुया। यीशु के लहू से जो दुले हैं उनके लिए खुदावन ने सारे वायदे को दिया है। ये सारे वायदे प्रभु में आपके लिए पूरा होती है। कितने यहां ये मानते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं जी। फिर क्या कभी ऐसा देखा किसी ने, एक दिन बच्चा घर पे आया स्कूल से बड़ा थका मांदे और बोले, पापा प्लीज मैं घुटने टेकता हूं आपके आगे, हाथ जोड़ता हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो? नहीं।
वो बच्चा जाएगा सीधा फ्रिज के दरवाजा खोलेगा, जो कुछ है निकालेगा, खाएगा वो, क्योंकि उसका घर है, उसका बाप का घर है। हालेलुया। फिर हम क्यों लाइन में खड़े हैं, पिताजी क्षमा कर दे, पिताजी भूख लगी है, बीमारी है, थोड़ी चंगाई देते। अरे तुम बेटे और बेटियां हो खुदा के, बोलो हालेलुया, मांग लो अपनी चंगाई। बात आपकी समझ में आई है जी? लाइन में वही आता है जिसको विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास है उसको प्रार्थना के लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, और जिसके पास विश्वास नहीं है उसको लाइन में आना पड़ता है ताकि पास्टर उसके लिए प्रार्थना करे। मेरा खुदा आपके साथ है, मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं, कोई खुदा का बंदा हाथ रखने की जरूरत नहीं। हम सब लोग खुदा के सामने प्रार्थना करेंगे लीन और नम्र होकर, खुदा अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखेगा, और उसके हाथ तुम्हारे ऊपर आ जाए तो फिर क्या बात है, वो तो जख्मी हाथ है जो तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं। हालेलुया। सुबह शाम हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस खुले हवा, इस मौसम के लिए, और यहां उपस्थित छोटे बड़े सबके लिए ये प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। ऐ हमारे खुदावन, इस वचन का लिखने वाला और इसका अंत करने वाला, इस वचन को पूरा करने वाला आप है प्रभु। आप ही ये वचन हमें समझा सकते हैं। हम मनुष्य सिर पढ़ सकते हैं प्रभु, लेकिन समझाना पवित्र आत्मा का कार्य है। और तूने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा। यूहन्ना 14:26-27 में कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सच्चाई में अगुवाई करेगा। आज पवित्र आत्मा सब पर उतरने दे प्रभु, कि वो इस वचन को पूरी तौर से उसको समझा पाए। तेरी दया हम सब पर हो प्रभु। आए हुए पासबानों के लिए, बड़े आदर के योग्य वे लोग यहां आए हैं प्रभु, और विश्वासी भाई बहन यहां आए हैं, और इस मीटिंग को संयोजक करने वाले भाई बहन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं आज शाम आशीष का कारण हो जाए। प्रभु यीशु, तेरा परिश्रम हमारे चारों तरफ हमारी अगुवाई करे, हमारे इर्द गिर्द तेरी उपस्थिति बनी रहे प्रभु, और ये सारा माहौल तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो ये जरूर देखना है कि ये बंद कब हुई थी। अगर ये किताब को आज हम लोग खोलना चाहते हैं तो ये बंद कब हुई थी वो देखना बहुत जरूरी है। प्रभु ने पत्रस को कहा मत्ती 16 अध्याय के अंदर, पत्रस तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, और अधलोक की पाटक उस पर प्रबल न होंगी। मैं तुझे स्वर्ग की चाबियां दूंगा। किधर की? स्वर्ग की चाबियां। आप सुन रहे हैं ना? जवाब भी दीजिए मुझे, बोलो मैं स्वर्ग की चाबियां तुझे दूंगा। इसका मतलब स्वर्ग में ताला लगा हुआ है, क्योंकि चाबी तो बिना ताले की बनती नहीं, ताला होना चाहिए, तभी तो चाबी पत्रस को प्रभु ने दिया। और पत्रस को बोला तू जो पृथ्वी में खोलेगा वो ही स्वर्ग में होगा। मतलब प्रभु ने स्वर्ग का ताला का चाबी चेलों को दे दी। उसके बाद आप पढ़िए बाइबल में प्रकाशित वाक्य, उसकी पहली अध्याय और उसका 18 वचन में यीशु कहता है मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं। मैं धन्यवाद देता हूं एक मसीही होने के नाते कि मेरा खुदा जिंदा है। जोरदार तालियां उस खुदा के लिए जो जिंदा है। यीशु कहता है मैं मर गया था, मैं जीवित हूं, और अधलोक और मौत की चाबी मेरे पास है। बराबर है आपके बाइबल में 1:18 में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। अब मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अधलोक की चाबी मेरे पास है। अगर यीशु जी उठने के बाद ये कहता है कि अधलोक की चाबी मेरे पास है, तो पहले किसके पास थी? वो किसी और के पास होना चाहिए, यीशु के पास नहीं थी।
और आपको मालूम है आदम जात से लेकर यीशु मसीह तक लोगों को मार के मरण के अंदर डालकर अधोलोक में बंद करके रखने वाला कौन है? शैतान। हालेलुया। तो चाबी किसके पास थी पहले? शैतान के पास थी। शैतान क्या करता था? अब्राहम मर गया, आजा अब्राहम, अंदर दरवाजा बंद कर दी। याकूब आजा, अंदर जा, दरवाजा बंद, हर एक को अंदर डाल के। तो जितने संत लोग थे सब लोग शैतान ने अधोलोक में बंद करके रखा था, क्योंकि मरण के ऊपर अभी तक किसी ने जय नहीं पाया, इसलिए शैतान के पास वो चाबी थी। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान के पास थी, वो चाबी कैसे ले सकता है? यीशु को भी मरण में जाना होगा, तभी वो जाकर उस चाबी को ले सकता है। इंसान के गुनाहों के लिए कोई जानवर, बैल या बकरी मरने से पाप क्षमा नहीं होगी। इंसान के गुनाहों के लिए इंसान की बलिदान चाहिए थी, इसीलिए खुदा खुद इंसान बनकर आया, जो आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़कर अपना खून बहाया। हालेलुया। तब इंसान की पाप क्षमा होती है। और मौत में जाने के बाद अधोलोक में, पहला पत्रस की दूसरी अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह अधोलोक में गया, एक समय शरीर कब्र में रखा गया और प्राण में यीशु अधोलोक में गया और आत्मा स्वर्ग में गई। एक ही टाइम में प्रभु तीन जगह में है, शरीर कब्र में है, प्राण अधोलोक में है और आत्मा से वो पिता के पास स्वर्ग में। और यीशु ने जाकर दरवाजा खटखटाया। हालेलुया। और शैतान वहां से दरवाजा खोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं आ गया। अब्राहम वहां से देखा, अरे मैंने कहा था ना वो आने वाला है, वो आ गया है। याकूब ने कहा जी वो भोर का तारा, वो आ गया है। अय्यूब ने कहा मेरा उद्धार करता जिसको मैंने देखा, वो आ गया है। हालेलुया। सभी भविष्यद्वक्ता लोग जो मसीहा के इंतजार में थे अधोलोक में गीत गाने लगे यीशु मसीह को देखकर। और यीशु मसीह ने शैतान के पास से चाबी ली, एक लात मारी शैतान को, शैतान का मौत कमर टूट गया। चाबी लेकर खोलकर सभी लोगों को बोला चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। 4,000 साल से जितने लोग मरे थे सबको यीशु मसीह ने ऊपर उठाया। और मत्ती की 27 अध्याय के 51 वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, कब्रें खुल गई, पवित्र लोगों की जीते हुई हो। हालेलुया। और वो लोग यरूशलेम में घूमने लगे। क्या ये आपका बाइबल नहीं कहता है? यीशु मसीह जी उठने के बाद सभी संत लोग जी उठे और यीशु मसीह के साथ 40 दिन वो धरती पे घूमते रहे। और सब देखने के बाद जब यीशु उठा लिया गया, वे लोग भी ऊपर चले गए। यीशु मसीह के अंदर जाकर बाहर आने के बाद ही वो संत लोग उठ सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह पहला फल है जो ऊपर आने वाला है। यीशु मसीह के नीचे जाए बगैर वो ऊपर आ नहीं सकते। इसीलिए स्वर्ग की चाबी स्वर्ग से लेकर आया, पत्रस को दिया, और नरक की चाबी शैतान से लेकर वो स्वर्ग चला गया। इसके लिए आज जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, वो सोते हैं, क्योंकि चाबी किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया। सो ये चाबी जो है, जो खोला गया पत्रस, तो एक ताला भी है, और वो ताला प्रभु ने खुला रखा है। ये ताला एक दिन बंद भी होने वाली है। जिस चाबी से ताला खुली उसी चाबी से बंद भी होगा। आप दूसरा चाबी लगा के बंद नहीं कर सकते। तो ये उद्धार का दरवाजा एक दिन बंद होगा। किसी को खबर नहीं होगी कि ये उद्धार का दरवाजा कब बंद हुआ। जब प्रभु ने नोहा को बोला जहाज में चले आ, नोहा अपने परिवार समेत जहाज में चले आया, दरवाजा बंद हुई, 7 दिन तक बारिश नहीं हुई। दरवाजा बंद होके 7 दिन तक बारिश नहीं हुई, किसी को मालूम नहीं था दरवाजा बंद हो गया है। लोग सोचे थे कि बारिश आने के बाद हम जाएंगे बोट में, लेकिन जब बारिश हुई तब नोहा, अरे तूने कहा था 120 साल हमने तेरा वचन सुना था कि बारिश होने वाली है, होने वाली है, हमने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज हो रही है।
अब यकीन हो गया हमें, तो दरवाजा खोल, हमको अंदर आना है। हालेलुया। अजीब नोहा ने अंदर से कहा, दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, दरवाजा प्रभु ने बंद किया है, इसीलिए मैं नहीं खोल सकता दरवाजा अभी। अजी नोहा साहब, मैं तेरा साला बोल रहा हूं, मेरे लिए तो दरवाजा खोल। जी वहां पर ना साले को अनुमति है, ना भांजे को अनुमति है, वहां तो उसको ही अनुमति है जो खुदा के मर्जी पर चलता है। हालेलुया। और कुछ लोग भी वहां आ गए जिन्होंने कहा, अरे नोहा, जहाज बनाने के समय जंगल से लकड़ी तो हमने काट के लाए, बोट बनाने में हमने भी मदद करी, हमें तो अंदर आने दे कम से कम। नोहा अंदर से कहेगा, मैंने तो तुम्हें हर शाम तुम्हारा पगार दे दिया था, अब तुम्हारा क्या बाकी है, तुम तो पगार के लिए सेवा करते थे। हालेलुया। इस दिन दरवाजे को बहुत सारे पास्टर लोग खटखटाएंगे, अंदर से आवाज आएगी, तुमको तो संस्था हमेशा पगार देते रही, तुमने सेवा किधर करी। हालेलुया। सेवा का मतलब क्या है? बिन पगार का जो काम करता है उसी को सेवा बोलते हैं, जो पगार के लिए काम करता है उसको नौकरी बोलते हैं। बोलो हालेलुया। खुदावन ने क्या कर दी? दरवाजा बंद कर दी। 7 दिन तक लोगों को पता ही नहीं चला, वैसे ही उद्धार का दरवाजा जिस दिन बंद होगा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में जरूर रखना, दरवाजा बंद होने के बाद में भी जहाज के अंदर जो हो रही थी वह बाहर सुनाई दे रही थी, और बाहर जो हो रही थी वह अंदर सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था दरवाजा बंद हो चुका है। ऐसा ही उद्धार का भी दिन जिस दिन बंद होगा, लोग हमारी आवाज को सुनेंगे, हम उसकी आवाज को सुनेंगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया यह किसी को पता नहीं चलेगा। अंदर वाले बाहर को सुनते, बाहर वाले अंदर को सुनते हैं। कौन है बाहर वाले और कौन है अंदर वाले? जो इधर बैठे हुए हैं वो अंदर वाले हैं, जो यहाँ के बाहर है वो बाहर वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में एक दिन मरियम और उसके भाई चले आ गए, और पत्रस ने बोला, प्रभु प्रभु तेरी माता और भाई बाहर आके खड़े हैं। यीशु ने बोला, कौन मेरा माँ कौन मेरा भाई? फिर प्रभु ने हाथ दिखाया, बोला ये जो मेरे वचन सुनते हैं वही मेरा माँ मेरा भाई है। यीशु मसीह ने अपने खुद के सगे, ये जिस पेट से वो पैदा हुआ उस माँ को भी नहीं पहचाना। उसने बोला, कौन मेरा माँ कौन मेरा भाई? मेरा माँ भाई वही है जो भीड़ में बैठे हुए हैं, बाहर वालों को मैं नहीं जानता। बोला हालेलुया। कितनी बड़ी दुख की बात होगी कि अपने खुद के, अरे 9 महीने संभाल के आया हुआ माँ को भी बोलता, कौन मेरा माँ कौन मेरा भाई? आज परमेश्वर के राज्य में हमारे लहू के रिश्ते नहीं चलते। मेरे अपने सगे संबंधी बहुत लोग हैं जो हमारे रिश्ते में लगते हैं, लेकिन मेरे रिश्तेदार असली में वो नहीं, मेरे रिश्तेदार ये लोग हैं जो यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं आपका रिश्तेदार है, और जो हमारे रिश्ते सगे संबंधी जो यीशु को नहीं मानते वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो शरीर के लहू के रिश्ते माने जाते हैं, लेकिन आप और हम यीशु के लहू में धुल कर एक हो चुके हैं। तमाम जाति और भाषा के लोग एक हो चुके हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि जब ये ताला लगी इसका मतलब एक दिन मोहर लग गई, और प्रभु ने कहा कि ये मोहर को बंद करके रख दे, अंत के दिनों में यह मोहर मैं खोलूंगा। तो ये मोहर बंद हुई दानियल के समय में। आप पढ़ सकते हैं दानियल की किताब, उसका 9 अध्याय, माफ करना 12 अध्याय, उसका 1 से 4 वचन तक पढ़िए। उसी समय मिखाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है जी, वह उठेगा जी। तब ऐसे संकट का समय होगा जी, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा, कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों ने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं जी, वे बच निकलेंगे जी। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे जी, कितने को सदा के जीवित के लिए जी, और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनोने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक
आकाशमंडल की सी होगी जी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं हाँ, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे जी। परंतु हे दानियल, हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके, इस पुस्तक पर तू मोहर लगा दे इन वचनों को अंत समय तक, और इसको अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ, बहुत से लोग पूछपाछ करेंगे और ढूंढ डांट करेंगे और इसमें से हाँ ज्ञान बढ़ भी जाएगा, इसमें से ज्ञान बढ़ भी जाएगा। अब कितने लोग को समझ में आया ये मोहर बंद कभी हुई? किसने बंद करने को बोला? खुदावन ने दानियल को बोला इस पर मोहर लगाकर बंद कर दे, ये अंत के दिनों के लिए, जिस समय में पुनरुत्थान होगा, कुछ लोग जीवन के लिए, कुछ लोग नरक में जाने के लिए, ये रैप्चर को दर्शाता है उस समय के लिए ये बातें, तो लुक और उसको बंद कर दे, सील लगा कर रख दे, और ये अंत के दिनों में खुलेगा। तो प्रभु ने दानियल को बोला इन बातों को सील लगा, और प्रभु ने दानियल को बताया कि ये टाइम ये धरती में कब आएगी। दानियल को एक सपना दिखाया प्रभु ने, और ये सपने के अंदर उसने इस पुतले को सर सोने का, इसके बाहें चांदी का, और इसकी जांग पीतल का, इसका पैर लोहे का, और इसकी पैर की अंगूठियां मिट्टी और लोहे का बना हुआ था। एक अजीब प्रकार का दर्शन प्रभु ने दिखाया। फिर दानियल इस स्वप्न का अर्थ दिखा रहा है नबूकदनेस्सर को, बोले राजा तेरा स्वप्न का अर्थ है सोने का सिर, तू है बेबीलोन शहर, यह सोना है वो तू है, क्योंकि प्रभु ने तुझे उठाया है। तेरे बाद एक राज्य आएगा, वो चांदी का राज्य होगा, ये मेदो पर्शिया का राज्य है जो 550 सदी में यह धरती में थी। उसके बाद एक और राज्य उठेगा, वो पीतल का राज्य होगा, वो है ग्रीस, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये पृथ्वी में ये महान महान राजा लोग होके गए हैं, इतिहास इसकी गवाही देती है, और मेरा बाइबल इसका सबूत देता है। बोलो हल्लेलुया। वो राज्य होगा 330 से 150 सदी के बीच में। उसके बाद लोहे का राज्य होगा, ये लोहा का मतलब है रोम, रोम साम्राज्य आएगी, और लोहे का राज्य के बाद एक उंगलियों के 10 राज्य एकत्रित होंगे, और वो टाइम में पुनरुत्थान होगा, मोहरे खुलेंगी, और जो प्रभु के लिए ठहराए गए हैं वो स्वर्ग जाएंगे, और जो अधोलोक के लिए है वो नरक जाएंगे। अब प्रभु ने बताया कि ये टाइम कब होगा। ये टाइम में प्रभु कहता है कि एक पत्थर अपने आप लुढ़क के आ रही है आसमान से, और ये पत्थर आकर इस पुतले के पैर को मारेगी, और ये पुतला नीचे गिर जाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ये पत्थर अपने आप निकल कर आ रही है, इसको किसी ने फेंका नहीं, और ये कहीं से खुदा हुआ नहीं, ये अपने आप आने वाली पत्थर है, अपने आप। ये दुनिया में एक ही व्यक्ति आया बिन माँ बाप का, वो है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जिसको ना माँ है ना बाप है, ना आदि है ना अंत है, जिसकी ना वंशावली है। रोमियो की किताब उसके 9:5 में लिखा है वो पूर्वजों में उन्हीं से हुआ, लेकिन वो सबके ऊपर परम परमेश्वर था, हालेलुया। अपने आप आने वाला, अपने आप कौन आया? आप और हम अपने बाप के द्वारा आए, अपने माँ के गर्भ में, और अपने माँ ने हमें धरती में जन्म दिया। यीशु मसीह दुनियावी बाप के द्वारा नहीं आया, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। ये अपने आप आने वाला यही पत्थर है, और ये पत्थर आकर जब ये पुतले के पैर में आकर मारती है, इसका मतलब जब रोम साम्राज्य खत्म होगा वो समय प्रभु यीशु का आना होगा। तो प्रभु यीशु जब भी धरती में जन्म लिया था तब रोम साम्राज्य राज्य कर रही थी, हालेलुया। फिर रोम साम्राज्य कब तक चलेगा, इस बात को हम लोग को आज देखना है, और यह राज्य का समाप्ति कब होगी, उस समय प्रभु का राज्य स्थापित हो जाएगा। सो बाइबल कहते हैं दानियल 2 के अंदर, ये पत्थर जो आई थी ऊपर से, ये शरीर पुतले को गिरा दिया, मतलब ये चारू सत्ता को गिराकर वो पत्थर एक पहाड़ बन गया, छोटी पत्थर एक पहाड़ बन गया। वही मेरा प्रभु यीशु मसीह 1000 साल ये धरती में राजा बन के रहेगा, पहाड़ बन गया वो।
तो उस राज्य के अंदर आप और हम जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये बात बता दिया गया था कि ये पत्थर कब आएगी और कितने राज्य ये धरती पर होंगे। और अलेक्जेंडर का नाम भी बाइबल में लिखा है द ग्रेट करके। एक ही राजा को ऐसा बोला गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बादशाह, उसको महान बोला गया, जिसको बाइबल भी महान बोलती है। ये चारों सत्ता इतिहास में ढूंढ के देखी हुई है, लेकिन ये सत्ता आने के पहले दानियल को 2500 साल पहले प्रभु ने एक चित्र बना के रखा था। प्रभु इत्तिपाक से काम नहीं करता, बाय चांस में काम नहीं करता, उसके सारे प्लान बने हुए हैं। हालेलुया। आज शाम हम लोग यहां पर इकट्ठे होने वाले हैं, आप यहां बैठने वाले हैं, मैं प्रचार करने वाला हूं। ये बात जगत उत्पत्ति से पहले मेरा प्रभु ने लिख के रखा है, आज वो हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। बोलिए, ये इत्तिपाक नहीं हुआ कि हम कुछ महीने पहले पास्टर भीम सिंह से मिल गए, उन्होंने बोले हमारे गांव में कन्वेंशन, इत्तिपाक से नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, गुड लक नहीं हुआ, ये मेरा खुदा ने दुनिया बनाने से पहले ठहराया है। मुझसे अच्छे लोग ये धरती में बहुत है जो आज यहाँ खड़े हो सकते हैं, और तुमसे अच्छे लोग बहुत है दुनिया में जो यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उनका, सौभाग्य है हमारा कि हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं। ये खुदावन का अनुग्रह है हम पर कि आज शाम हम लोग उसकी मर्म को सुनने वाले हैं। फिर दानियल ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न के अंदर उसने 5 जानवरों को देखा। पहला जानवर सिंह के समान, दूसरा जानवर उकाब के समान पक्षी, तीसरा भालू के समान, चौथा चीते के समान और पांचवा खूंखार प्राणी के समान। ये दानियल स्वप्न को देखने वाला ये सभी जानवरों को देख रहा है कि ये सब जानवर एकत्रित होकर आ रहे हैं। और आपको मालूम है प्रकटीकरण की किताब उसका 13वां अध्याय 2 वचन में यूहन्ना ने भी एक जानवर को देखा, ये भी पानी से निकल रहा है, और दानियल ने जो देखा वो भी पानी से निकल रहा है। पानी क्या है? प्रकटीकरण 17:15 में लिखा है, पानी भीड़ जाति लोग और भाषाएं हैं। यानी लोग इस लड़का को सुन के देते हैं, लोग इसको तैनात ओट करके देते हैं। इसीलिए ये जानवर जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इस जानवर को अच्छे से देखिए और प्रकटीकरण का 13:2 में पढ़ेंगे तो बाइबल बोलता है इसका मुंह सिंह के समान है, इसका पैर भालू के समान है, इसका बदन चीते के समान है। बोलिए हालेलुया। दानियल ने देखा वह सब प्राणी अभी एक प्राणी बन के आ गए हैं। सो दानियल ने 2000 साल पहले अलग अलग जानवरों को देखा, उस समय राष्ट्र अलग अलग थी, लेकिन आज ये अलग अलग राष्ट्र सब मिलकर एक राष्ट्र बन गई है, उसको हमारा यूहन्ना प्रकाशित वाक्य वाले ने देखा। तो जो अलग थी वो अभी एक बन गई। और देखिए ये सब जानवर लोग जो बैठे हैं यही दानियल ने देखा। शेर का मतलब है ब्रिटेन, भालू का मतलब है रशिया, यूएन का मतलब है खूंखार प्राणी, अमेरिका का पक्षी है उकाब और यूरोपियन यूनियन है चीता। तो दानियल ने ये जानवरों को नहीं देखा, वो ये जानवरों को देखा जो एक साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। क्या हमारा बाइबल सत्य है? हजारों साल पहले होने वाली बातें नबियों को खुदा ने पहले ही बता दिया, और ये लोग बैठकर इसराइल के प्रति ये लोग घटना देख रहे हैं, और इनके ऊपर 6 लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकटीकरण 13:18 का जो 666 है वो भी इन्हीं के साथ में बैठा हुआ है, जो मोहर शैतान लाने वाला है। आप मेरे साथ है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो ये सिद्धता होती है कि ये राष्ट्र जिसको दानियल ने देखा था एक के पीछे एक आने वाली है, लेकिन आखिरी दिनों में ये सब लोग एक होने वाले हैं। और ये आज का हमारा यूरोपियन यूनियन जिसमें ये लोग सब एक मेंबर बनकर बैठकर इसराइल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये दर्शन को दानियल ने देखा। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? पूरी दुनिया में एक ही मजहब लाना है, एक ही सरकार लाना है, एक ही
सब चीज एकत्रित करने की चर्चा हो रही है, जिसको बोलते हैं वन गवर्नमेंट वन इकोनॉमिक वन वर्ल्ड रिलीजन, एक धार्मिक होगा सारी दुनिया में। क्योंकि जब 666 ये धरती में आएगा मोहर लगाने का टाइम, उस समय कोई भी व्यापार नहीं कर सकता उनके अनुमति के बगैर। इसीलिए ये नंबर लाना बहुत जरूरी है। और ये घटनाएं किस तरीके से आ रही है धरती पर, इसका नाम है क्रिस्लाम वन वर्ल्ड रिलीजन। ये वन वर्ल्ड रिलीजन एकत्रित बन रही है और ये लोग सब मिलकर एक कानून बनाएंगे। उस कानून के तहत अगर आप नहीं आएंगे तो आपको कोई व्यापार करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके लिए धीरे धीरे सारे दुनिया में हरेक का अधिकार छीना जा रहा है, हरेक का पास से पावर लिया जा रहा है। आपको बैंक में खाता खोलना है, आधार कार्ड के बगैर नहीं खोल सकते। आधार कार्ड दे दिया, आपका सारा पैसा गवर्नमेंट के हाथ में है। ये धीरे धीरे इसी तरीके से कोई ना कोई तरकीब से वन वर्ल्ड रिलीजन, पूरी दुनिया में एक ही पैसा चलेगा। और वो यूरोपियन यूनियन की करेंसी जो है वो लोग पूरी दुनिया में चलाने की चक्कर है। अभी इंडिया का पैसा लेके अमेरिका में जाओगे तो नहीं चलता, अमेरिका का डॉलर इंडिया में नहीं चलता। लेकिन एक दिन आने वाला है, वो बहुत जल्द एक ऐसा रुपया बन रहा है जो सारी दुनिया में किधर भी जाए आप चलाएंगे। उस समय में वन इकोनॉमिक होगा, एक व्यापार होगा। और ये धर्म की स्थापना हो चुकी है और इसका नाम रखा है क्रिस्लाम। क्राइस्ट और इस्लाम दोनों को मिलाकर क्रिस्लाम बना दिया गया है। अब ये हाउस जो है किस तरीके से ये लोग इसका फाउंडेशन डाल रहे हैं, आप देखिए ये फाउंडेशन डाल रहे हैं। बीच में एक बड़ा हॉल होगा सेंट्रल में, उसके बाद बी में मॉस्क मस्जिद होगा, सी एन ए चर्च होगा, और यहाँ यहूदियों का मंदिर सिनेगॉग होगा। ये लोग एक जगह आराधना करेंगे और साथ में आके मिलेंगे। इस तरीके से इनका विश्वास और मजहब एक हो जाएगा। देखिए मुस्लिम का इमाम, यहूदी और पादरी साहब मिलकर ईंट ले आए और इसका बांध काम शुरू कर दिए हैं वो लोग। यानी क्रिस्लाम मजहब की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए आपको यकीन दिलाने के लिए बात मैं कहता हूं, जून के 2014 में पोप साहब ने इस्लाम के इमाम को अपने घर बुलाकर अजान पढ़ाया। जो मुस्लिम लोग मस्जिद में पढ़ते हैं उसको उसने अपने घर में चर्च में पढ़ाया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि क्रिस और लाम हम दोनों भाई भाई हैं। उनका कहना दूध झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि इस्माइल अब्राहम का बेटा और इसहाक भी अब्राहम का बेटा है। सो इस्माइल वो इस्लाम को दर्शाता है, इसहाक वो यहूदी और मसीही को दर्शाता है। सो उनका कहना है अगर हम एक ही बाप से आए हैं फिर अलग अलग क्यों रहें, क्यों नहीं हम लोग एक बाप के पास फिर से चले जाते हैं। इसलिए दोनों धर्म को एक कर दिया है। आप मेरे साथ हैं, हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं इस्लाम यीशु मसीह को मसीहा करके नहीं मानता, उसको एक नबी करके मानता है। वो कभी भी यीशु को मसीहा नहीं परंतु एक नबी दर्शाते हैं वो लोग। लेकिन मेरा बाइबल कहता है यीशु मसीह नबी बनकर आया लेकिन वो मसीहा बनकर क्रूस पर चढ़ा। और मसीहा नहीं, वो राजाओं का राजा बनकर हमको लेने के लिए फिर से आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो ये दोनों धर्म एकत्रित आकर बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन चर्च में आज आकर ये काम हो चुका है। ये 2014 की बात है। इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चले आ जाएंगे तो बहुत ताजा खबर जो मैं आज देता हूं, 2019 तीन से पांच फरवरी को, यानी बस अभी 8-10 दिन पहले की बात है, पोप साहब सऊदी अरब चले गए। इतिहास में आज तक सऊदी अरब में अलाउड नहीं है किसी को। अगर कोई सऊदी में काम करके आए होंगे तो आपको मालूम है एयरपोर्ट में अगर आपके हाथ में बाइबल मिली तो भी फेंक देंगे वो। सऊदी में बाइबल लेके जाना अलाउड नहीं है। लेकिन वही सऊदी का राजा ने मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े राष्ट्र पोप को अपने घर बुलाया 8 दिन पहले और उनके साथ बैठकर उन्होंने एग्रीमेंट कराई है। ये एग्रीमेंट कहीं आपके बाइबल में दिखाई देती है क्या? देखिए
दानियल की किताब 9 अध्याय उसके 27 वचन पढ़ के देखिए, कुछ एग्रीमेंट हो रही है उधर, और एग्रीमेंट करने वाला पुरुष आकर वो सभी दुनिया के राजाओं को एक साथ बिठा कर एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है। और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, दानियल का बात तो मैंने 2500 साल पहले की कही, ये पिछले हफ्ते की बात कह रहा हूँ मैं। क्या तेजी से ये काम हो रहा है आपको मालूम नहीं? क्रिस और लाम दोनों मिक्स होकर बाइबल के उन भविष्यवक्ताओं की घटनाओं को आंखों के सामने पूरे लेकर आ रहे हैं। बहुत ही जल्द आप इन घटनाओं को देखोगे और वन वर्ल्ड रिलीजन सामने आने के लिए जो तैयारियां हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ मिलकर एक जोर के हल्लेलुया के नारे लगाएंगे, बोले हल्लेलुया। इसलिए लगाता हूं नारे क्योंकि ये घटने के बाद आप और हम धरती में नहीं रहेंगे। प्रभु तो आ रहा है उसके पहले अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। ये प्रभु का अपना हमेशा का तरीका है। जब ही प्रभु ने संसार को नाश करना चाहा, उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी 4-6 वचन में लिखा है, मनुष्य के हृदय जो कुछ होता है सो बुरा ही होता है। तब प्रभु ने बोला, मैं धर्मी आदमी को इनके साथ नाश नहीं करूंगा। सो उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने नोह को बचने के लिए एक जहाज बनाया। जब ही आपत्ति आती है प्रभु अपने चुने हुओं को बाहर निकाल देता है। हालेलुया। दो दूत लोग सदोम और गोमोरा में चले गए और वहां पर लोत और परिवार के साथ बसा हुआ है। उनको बोला, कल सुबह सूरज उगने के पहले अग्नि गिरकर यह शहर बर्बाद होगी, तुम जल्दी निकलो यहां से। उस शाम को संदेश चला गया, ज्यादा टाइम उसके पास नहीं था, एक ही रात है बचने के लिए। उस रात में उसने जो कुछ करना है कर लेना है। वैसे ही समय अभी आ रहा है, बहुत कम समय बचेगा उड़ान भरने के लिए, थोड़ा टाइम के अंदर आपको तैयारी करना है। लोत ने बोला, ठीक है हम जाएंगे, लेकिन मेरी बेटियों की सगाई हो गई है, मैं दामादों को बोलता हूँ। वो लोग दामादों के घर गए, बोले भाई साहब ऐसी है कि हमारे घर में संदेश आया है और उन्होंने कहा कि कल सुबह शहर जलने वाली है और आप लोग सब निकल जाओ, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी मेरी बेटी की सगाई हुई, शादी होने वाली है, तो मैं आप लोग को कहता हूँ आप भी हमारे साथ चलिए। दामाद ने और दामाद के घरों ने कहा, अजी लोत तू पागल हो गया है, अभी तो परसों मंगनी लगाई और शादी की तैयारी हो रही है और आज बोलता है दुनिया नाश होगा, क्या ये बात आपसे और हमसे लोग नहीं बोलते? दुनिया नाश होगा जरूर, एक सच्चा विश्वासी है तो उसके साथ तो ये घटना होगी। और ये लोग परेशान है कि अभी क्या होगा, नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी का हाथ, हम मरे तो मरे लेकिन तुम जाना है तो चले जाओ, हम ये शहर को छोड़कर नहीं आएंगे। और लोत ने अपने घर में क्या देखा कि लोग आके दरवाजा खटखटा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो दो पुरुष तुम्हारे पास आए उनको बाहर दे दो, हम उन्हें उनको जानना है। यानी वो शहर के अंदर समलिंग व्यभिचार इतनी बढ़ चुकी थी कि आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ शादी कर रही है। ये पाप जब भी दुनिया में आती है उस समय कयामत आती है। और आज ये पाप खाली विदेश में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया है, अभी अभी दिया है कि आप समलिंग शादी इस देश में भी कर सकते हैं। जब भी ये बातों को तुम देखोगे, बाइबल में लिखा है सदोम का जलने का टाइम आ गया है, बोलो हालेलुया। अब लोत और पत्नी ये लोग बोले बाहर निकलना है, लेकिन कैसे निकलेंगे? फरिश्तों ने कहा कि सबको अंधा कर दिया गया है, अब तुम लोग इनके बीच में से जल्दी निकलो। अब लोत अपने पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर वो बाहर जा रहा है। इनकी दोनों बेटी कुंवारी थी, क्योंकि वो कहते हैं मेरी दोनों कुंवारी बेटियों को ले लो, तुमको जो करना है इनके साथ करो, लेकिन मेरे घर में आए हुए मेहमानों को मत छूना। हालेलुया। कहने का मतलब लोत बोल रहा है मेरा घर बर्बाद हो जाए लेकिन जो संदेश मेरे घर में आया है वह अशुद्ध नहीं होना चाहिए। आज जो संदेश आपके पास आ रहा है यह पवित्र संदेश है, इसको अशुद्ध मत करो। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सदोम का पाप भयानक हो चुका था। और बाहर अब्राहम पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा है, खुदावन अब्राहम के साथ खड़ा है और अब्राहम से विनती हो रही है। अब्राहम कहते हैं प्रभु 50 लोग, प्रभु ने बोला मैं छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम बोला 40 लोग,
प्रभु बोला मैं छोड़ दूंगा। उत्पत्ति का 18 अध्याय में पढ़ के देखिए अब्राहम के साथ प्रभु क्या कर रहा है, क्योंकि अब्राहम को लोत की फिक्र थी। लोत अपने परिवार के साथ गया है, वहां एक चर्च चालू किया होगा, कुछ विश्वासी लोग उधर आए होंगे, इसीलिए उसने 50 से शुरू करी। लेकिन वहां 50 भी नहीं, फिर उसने बोला प्रभु 20 लोग, बोले नहीं 20 भी नहीं, फिर भी मैं छोड़ दूंगा। फिर अब्राहम बोला प्रभु आखिरी बार, बुरा मत मानना, 10 लोग, प्रभु बोला तो भी छोड़ दूंगा। अजी आप मेरी बात को यकीन करिए, अगर ये दुनिया में 10 विश्वासी लोग भी रहेंगे प्रभु दुनिया को बचाता है, लेकिन विश्वासी लोग चले जाने के बाद क्या बचेगा? हालेलुया। नमक जब तक स्वाद रखे तो काम का है, अगर स्वाद निकाल जाए तो क्या होता है, वो पैरों के नीचे आ जाती है। और प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, जब नमक चली जाएगी तो पृथ्वी किस काम का, वो रौंदा जाएगा। बोलो हालेलुया। इसके लिए तुम अपने में क्या रखो, स्वाद रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति का मतलब अंग्रेजी बाइबल में लिखा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस अंधकार की दुनिया में तुमको रोशनी देना है, और रोशनी मान लो ये मेरे हाथ में टॉर्च है, सो ये टॉर्च मुझे किसको दिखाना है, लोगों को रास्ता बताना है, किस तरह रास्ता, मार्ग सत्य और जीवन, उसके तरफ बताना है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, टॉर्च अपने मुंह पे मार के बोलते हैं मैं पास्टर रेवरेंड बीड। आज लोग यीशु को टॉर्च मारने के बजाय अपने मुंह पे टॉर्च मार के खड़े हुए हैं। आप समझ रही है बातों को, हम जगत की ज्योति हैं और हमारी रोशनी यीशु की तरफ हो, ताकि हर आदमी उसे देखे और बच जाए। जो कोई उस क्रूस पर लटके हुए सर्प को देखेगा वो बच जाएगा। बोला हालेलुया। सुये गठबंधन चल रही है, और लोग बाहर निकलकर भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ गया जहां बोला कि पत्नी ने बोली तुम आगे जाओ मैं पीछे से आती हूं। हमेशा परिवार को साथ में लेके जाओ, तुम आगे जाओ मैं पीछे से आती करके मत छोड़ो। जब वो पीछे से आ रही थी, पीछे मुड़कर देखा नमक का खंभा बन गया। कौन? पास्टर लोत की पत्नी। और पास्टर लोत की पत्नी कोई मामूली नहीं थी। लोत का भाई अब्राहम, जो भतीजा अब्राहम और लोत भतीजे थे। अब्राहम कौन है? इतना बड़ा नबी जो खुदा के साथ आमने सामने बात करता है, जो खुदा को अपने घर लेके जाकर हाथ से रोटी पका के खिलाता है। ऐसे नबी के घर में बहू बन के आई थी लोत की पत्नी, वो भी नमक का खंभा बन गया। तो पास्टर के घर में पैदा होने वाले आने वाले बहु लोग, संभल के रहना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा भविष्य रखता का बहु नहीं बच पाई, तो आज बहु लोगों को मैं पूछ रहा हूं, तुम मत सोचना हम पास्टर के घर में शादी होके आए हम बच जाएंगे। नहीं, लोत की पत्नी के समान नमक का खंभा बन जाओगे। जब तक तुम्हारा जीवन से सारा सदोम नहीं उतरता, हो सकता है अपने बेटियों के लिए दागिने जमा करके रखी होगी, बेटियों के लिए शादी की तैयारी करके रखी होगी, और जब ये लोग भागते भागते धड़ाम सी आवाज आई तो सोचा होगा आए मेरा सोना, मेरे शादी के लिए सब मुड़ गई होगी। लेकिन आज्ञा था पीछे मुड़कर मत देखना। और नमक के खंभा बन गई, निकले थे उतने बड़े शहर में 4 लोग, उसमें से भी एक रह गई और 3 आगे निकलकर चले गए। खुदावन ने उनको बचाया। बाइबल बोलते है धर्मी लूत, सो लूत को बाइबल धर्मी कहती है। सो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा एक बात दर्शाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ के जाएंगे हम लोग, और यहां पर हम देखते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा बैठे हुए हैं, और शांति की वार्ता हाथ चल रही है। और इस शांति की वार्ता हाथ के अंदर अब्राहम ओबामा जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये कुर्सी पे सब तलवार लगी हुई है, तलवारों से बनाए हुआ सिंहासन पर वो बैठा है। और उसके मेज पर जो टिपाई बोलते हैं उस पर देखिए क्या लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, धनुष, बाण। और ये बाण में तीर नहीं है, क्या है, सिर्फ बाण है, तीर नहीं है। कुछ याद करो, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय
और उसका पहला दो वचन पढ़ के देखिए, उधर सफेद घोड़े में कोई आ रहा है, उसके भी पास बाण है मगर तीर नहीं है। अब ये सफेद घोड़े वाला आता है शांति का वार्ता हर को लेकर। सफेद का मतलब धार्मिकता, घोड़े का मतलब सामर्थ्य, और उस पर जो सवार है उसके हाथ में एक तलवार है, ये शांति बाण है, और वो धरती पर जय पाने के लिए चला जा रहा है। ये कौन राजा है? और आप देखिए कि ये आदमी ने जिसने ये रखा है इतने बड़े देश के सुपर पावर के सामने, मतलब ये बता रहा है कि वो सफेद घोड़े में आने वाला हम ही लोग हैं, जिन लोगों के हाथ में बाण है मगर तीर नहीं है। तीर कहाँ चली गई? तीर इन्होंने छोड़ दिया लोगों के हृदय में। आप देखा एक गोल सा हृदय बनता है, उसमें आधा तीर पार होके खून गिरता है, देखा अपने चित्र? ज्यादा करके प्रेमिका लोग बेचते हैं। तीर उसने लोगों के हृदय में छोड़ दिया, लोग उसके कब्जे में आ गए हैं, अब खाली वो ढोंगी बनकर चला जा रहा है। और बाइबल कहता है उसको मुकुट दिया गया, मेरा प्रभु को कोई मुकुट नहीं दे सकता। पढ़िए, आपको मिला प्रकाशित वाक्य छठवें अध्याय कर दो। मैंने दृष्टि की, हाँ, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, हाँ, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, हाँ, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। देखो उसको मुकुट दिया गया है मगर लोग उसको राजा बना रहे हैं। क्या यीशु मसीह को हम राजा बना सकते हैं? बोलिए। आप प्रकाशित वाक्य 19:13 पढ़िए। ऊपर से सफेद घोड़े में एक सवार आ रहा है, वो तो मुकुट पहन के आ रहा है। तो ये 19 अध्याय में जो सफेद घोड़ा आ रहा है वो मेरा प्रभु यीशु है। Amen. लेकिन ये 6 अध्याय में जो सफेद घोड़ा आ रहा है ये शैतान आ रहा है। वो सफेद रूप धर के आ रहा है, वो कलिसियों में भी जाएगा, वो लोगों को भी फरमाएगा, क्योंकि वो सफेद ओढ़ना ओढ़ कर आ रहा है ये बताने के लिए कि मैं धार्मिक हूं। अमेरिका कहता है मैं धार्मिक हूं, लेकिन सारा पाप का जड़ वही है, वही से सारी पाप शुरुआत होती है। लेकिन वो दुनिया के लिए धार्मिक दिखाई देती है। इसके हाथ में बाण है मगर वो तीर उसके पास नहीं है। सो ये एक धोखादायक मजहब है या धोखा देने वाले एक धर्म है। बाइबल में लिखा है दानियल की किताब कि प्रभु ने कहा कि देख 69 हफ्ता बीतने पर एक सप्ताह बाकी रह जाएगा और वो टाइम पे ये घटनाएं होंगी। अब दानियल 12 अध्याय के आखिर में आएंगे तो लिखा है धन्य है वे जो 1290 दिन तक चल जाए। 1290 दिन तक, मतलब जब ये सत्ता शुरू होगी उस दिन से 1290 दिन तक जो टिकेगा वो बचेगा। अब आप प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ के देखिए, वहां लिखा हुआ है 1260 दिन तक दो नबी भविष्यवाणी करेंगे, मतलब 1260 दिन और 1290 दिन, 30 दिन का फर्क है इसमें। यह 30 दिन के अंदर जो लोग ये दो नबियों की बात को मानकर विश्वास करते हैं उनका समय 30 दिन बढ़ाया गया है अनुग्रह के लिए, क्योंकि 1290 दिन में वो सत्ता आकर लोगों को दबा देगी। तो एक एक दिन बाइबल में गिना हुआ है, एक एक समय बाइबल में गिना हुआ है। हम लोग ऐसा ना सोचे कि प्रभु के आने में देर हो रही है, नहीं, प्रभु के आने में देर नहीं हो रही है, देर आपके और हमारे में है। प्रभु अपने नियुक्त समय में आ जाएगा, वो देर ना करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में लिखा है वो देर नहीं करेगा, वो आ जाएगा, उसका वो दिन ठहरा हुआ है। लेकिन आपका और हमारे दिन खत्म होने पर हम लोग बैठे हुए हैं। 7 हफ्ता 72 हफ्ता बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ दिन है, ये दानियल भविष्यद्वक्ता ने दर्शन देखा हुआ दिन है। इसके बाद कलीसिया युग शुरुआत हुई और ये 7 कलीसिया युग चलती है। अभी हम लोग बैठे हैं 2019 में, यहाँ आके बैठे हुए हैं। ये प्रभु का आना, हमारा उठा लिया जाना, उसके बाद एक सप्ताह का वाचा जो होगी, वो एक सप्ताह के वाचा के विषय में अभी बातचीत चल रही है। अभी लोग टेबल में बैठे हुए हैं और ये हफ्ता किसी भी वक्त शुरुआत हो सकती, आज रात को भी हो सकती, कल सुबह भी हो सकती, कल शाम में भी हो सकती, क्योंकि डॉक्यूमेंट तैयार है, सिर्फ साइनिंग करने की बाकी है,
और वो साइन हो गई, वो हफ्ता शुरू हो गया, आपका और हमारा टाइम खत्म हो जाता है। बोले हालेलुया। देखो प्रभु कैसे समय पे चलता है। गलती क्रास उसके 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, पढ़िए आप। गलती क्रास 4:4, जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। देखो परमेश्वर ये धरती में कब आया, जब समय पूरा हुआ। कौन सा समय पूरा हुआ? पुराने नियम का समय पूरा हुआ। फिर समय शुरू किधर हुआ था? अगर समय खत्म होती है तो कहीं तो समय शुरुआत होती है, क्योंकि जिसको आदि है उसको एक दिन अंत है। तो समय कहां शुरुआत हुआ था? जिस दिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर का वचन को तोड़ा, उस दिन से समय शुरुआत हुई। क्या बात समझ में आ रही है आपकी? उस दिन से समय शुरुआत हुई। अगर आदम और हव्वा फल नहीं खाते थे तो वो लोग नहीं मरते थे। नहीं मरने का मतलब है वो अनंत काल जिंदा रहते थे। तो प्रभु ने बोला जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू, समय उधर से शुरुआत होती है। फिर प्रभु ने क्या कहा कि देख ये मेमना तेरे लिए मारा गया, अब इसके वजह से तू बच रहा है। तो प्रभु ने क्या किया, वो समय के लिए प्रभु ने एक मेमने को बलिदान करी और चमड़े का वस्त्र आदम और हवा को पहनने दिया और आदम और हवा को बगीचे से बाहर निकाल दिया। अभी आप और हम बगीचे के बाहर हैं क्योंकि अपने माथे के पसीने से हम लोग आज भोजन कर रहे हैं। कोई ऐसा है आदमी जो कहता मैं काम नहीं करता फिर भी खाता हूं? नहीं, हर आदमी को काम करके खाना है, क्योंकि जब तक वो पसीना नहीं बहाता ये भूमि अनाज नहीं देती। फिर आप बोलेंगे वो बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग एसी बंगले में रहते हैं, एसी कार में घूमते हैं, उनको पसीना कहां से आता है? जरूर आता है, इनकम टैक्स वाले की फोन आ जाएगी ना तो एसी रूम में भी पसीना छूटता है उनको। बोलो हालेलुया। सो पसीना सबको आएगा। ये पसीना से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। प्रभु ने कहा यह दिन शुरुआत हुई और एक दिन इसका खात्मा होगा जब समय पूरा हुआ। खुदा ने कहा कि अब टाइम आ गया, जो लोग बगीचे के बाहर हैं उनको अंदर लाने का टाइम हो गया। इसीलिए जीवन का पेड़ जो बगीचे के अंदर थी, आदम और हव्वा को वो खाने से मना किया था, वो लोग को बाहर तलवार रखी गई थी, वो लोग अंदर नहीं आ सकते। इसीलिए क्या हुआ, जीवन का पेड़ बगीचे के बाहर आ गया और वो तलवार को अपने लहू दे दी। अब तलवार निकल गई और यीशु मसीह यूहन 15 में बोला मैं सच्चा पेड़ हूं, जो कोई मुझ में बना रहेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। हम पेड़ के पास नहीं जा सके लेकिन पेड़ हमारे पास आ गया। वही आज आप और हम उस पेड़ के तले आकर जीवन का फल खा रहे हैं। हालेलुया। इन्हें समय वहां शुरुआत हुई और यहां समय खत्म हुआ। अभी नया करार का समय शुरुआत हुई। कहा शुरुआत हुई? यह कलीसिया काल के समय यीशु मसीह क्रूस का काम करने के बाद नया नियम का समय शुरू हुआ। अगर यह समय शुरू हुआ तो फिर इसको खत्म भी होना है। कब खत्म होगा? आपका बाइबल कहता है कि उसका खत्म बिल्कुल यहां पर होगा जिस समय प्रभु बादलों पर आकर अपनी दुल्हन को ले जाएगा। अब टाइम पूरा हो चुका है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। और मैं बुलाना चाहता हूं पास्टर भीम सेन को कि अब 9 बज गया है, आप अपना ऑफरिंग लीजिए, अगले 1 घंटा मुझे दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पार्क साहब। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 3 अध्याय में प्रभु बोलता है मैं जेजेबेल की शिक्षण से नफरत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। समस्या में मेरे प्रिय लोगों, तेजी हो रही है, रफ्तार बढ़ रही है, हम भी रफ्तार के साथ साथ चल रहे हैं। जरूरी है हम रफ्तार को अपने लिए इस्तेमाल करें, रफ्तार हमको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल बनी जरूर है
हम मोबाइल को हमारे काम के लिए इस्तेमाल करें, मोबाइल हमको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिस दिन मोबाइल आपको इस्तेमाल करेगा उस दिन आप रास्ता भटक जाएंगे। मैं ये बात बड़ी आसान से कहता हूं, बाइबल में दो बातें, एक है ज्ञान और दूसरा है बुद्धि। बुद्धि प्रभु की ओर से आती है, ज्ञान संसार देता है। हमारे जाने माने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाई, वो ज्ञान से बनाया। और अग्नि मिसाइल से होता क्या है, दूसरे देश में डालो वहां फटेगा, हजारों की जान जाएगी। ज्ञान क्या करता मालूम है, नुकसान को लाता है। लेकिन अगर वही बुद्धि होती तो वह बनाने के टाइम सोचता, मैं इसको बनाऊंगा, इसका उपयोग क्या होगा, दूसरे देश में फटेंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे, नहीं नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। अगर बुद्धि होती तो वह नहीं बनाता। लेकिन ज्ञान क्या करता है, नाश की वस्तु बनाती चली जाती है। और बाइबल में दानियल को प्रभु ने बोला ज्ञान बढ़ जाएगा, बुद्धि नहीं, ज्ञान बढ़ जाएगा। अगर बुद्धि बड़ी होती तो ये संसार यूं नहीं भटकती, सारे लोग खुदा के पास होते। लेकिन ज्ञान होने के कारण शैतान ने उनको ज्ञान देकर लोगों से दूर चला गया है। आगे हम लोग जाएंगे, ये ज्ञान हमको रफ्तार को अलग अलग तरीके से, एक समय था घोड़े का, फिर जहाज का, एक समय कार का आ गया, रॉकेट का आ गया, स्काईलैब में जाने लगे ऊपर, आदमी ऊपर 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 ही जा रहा है। ज्ञान से वो प्राप्त कर रहा है कि मैं खुदा के पास चले जाऊं। बाइबल में निमरोद नाम का एक राजा था, उत्पत्ति 11 अध्याय में उसने एक गुम्मट बनाई और कहा कि मैं आसमान तक बनाऊंगा। खुदावन ने वहां भाषाओं में गड़बड़ी डाली और वह आसमान तक नहीं गए, गुम्मट वहीं फेल हो गई और सब भाषांतर में यहां वहां तीतर बीतर होके चले गए। मनुष्य अपने तरीके से खुदा के पास जाने की सोच रहा है, आप नहीं जा सकते। बाकी दुनिया के सारे मजहब और धर्म ये सिखाती है हमें खुदा के पास कैसे जाना है, लेकिन मेरा बाइबल सिखाती है खुदा हमारे पास कैसा आया। हालेलुया, ये दुनिया में और हम में फर्क है। हालेलुया, ये दुनिया सब बोलती है हमें क्या करना है जाने के लिए, बाइबल बोलती है खुदा ने क्या किया हमारे लिए। पहली बार इंसान चांद में चला गया, बहुत जबरदस्त कामयाबी इंसान को मिली ज्ञान के ऊपर। जब वो आदमी चांद से नीचे आया, उसने वहां से पत्थर और मिट्टी लेकर आया और एक टेबल पर रखकर दुनिया के तमाम साइंटिस्ट लोग बैठे उसका अनुभव सुनने के लिए कि चांद में वातावरण कैसा है, वो पत्थर देखने के लिए। उसके हाथ में माइक दे दी, बोली आपका अनुभव बताओ। बोला मैं क्या करूं, लुई आर्मस्ट्रांग ने कहा। ये अफसोस सोच वाली बात नहीं कि इंसान चांद पे गया, लेकिन उससे बड़ा वो बात है चांद को बनाने वाला खुदा धरती में आके चला, मेरा यीशु। इससे बढ़कर दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। बोलो हल्लेलुया उस यीशु के लिए। सो ये ज्ञान बढ़ने का समय आ गया है और लोग रफ्तार के अंदर प्रभु से दूर दूर चले जा रहे हैं। जमाना आ गया सेल्फी का, जिधर उधर सेल्फी, जिधर उधर सेल्फी, जिधर उधर सेल्फी। क्या ये बाइबल में नहीं लिखा है, पढ़िए गलती क्लास उसका पांच, सॉरी दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय। देखो पॉल कहता है अंतिम दिनों में लोग क्या होंगे, यस, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, स्वार्थी, लोभी, लोभी, डिंगमार, डिंगमार, अभिमानी, अभिमानी, निंदक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। प्रेज द लॉर्ड। इसमें अगर इंग्लिश बाइबल हो तो वहां लिखा है सेल्फ, मनुष्य खुद स्वार्थी, स्वार्थी है ना आपके बंदे, स्वार्थी, हाँ स्वार्थी मतलब खुद का फोटो निकालने वाला। आज देखो फोटो के जमाने में एक आदमी उधर नीचे पानी में गिर गया, वो तैरने के लिए नया नया इधर बचाने को छोड़ के कैमरा लेके फोटो निकलती उसकी, अरे वो मर रहा है।
लोग रोड पे बेचारा एक्सीडेंट हो गई पड़ी है, लोग देखा हुआ वो तड़प रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ लेके जाओ, नहीं ये मोबाइल निकाल के उसकी फिल्म उतार रहा है। स्वार्थी कितने तो लोग पेपर में पढ़ो, पहाड़ पर गए सेल्फी निकाले पैर फिसले नीचे गिरे मर गए, समुन्द्र के किनारे सेल्फी निकाले नीचे गिरे मर गए। ये स्वार्थ जब आएगा इंसान के अंदर, वो जमाना अलग था जब ही कैमरा निकाले फोटो निकालने स्टूडियो पे जाना पड़ता था, स्टूडियो पे खड़े रहे वो लाइट चालू करता था क्लिक करता था, अभी तो हर आदमी के हाथ में क्लिक आ गया। ज्ञान क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए हालेलुया। एक भी सेल्फी ढंग का नहीं आता, सेल्फी निकालते तो मुंह टेढ़ा है, कभी आंखी टेढ़ा है, कभी मुंह, अरे शैतान दिख रहे हो सेल्फी में तुम, क्या कर रहा है दुनिया का ज्ञान तुमको कहां ले जा रहा है। उसमें से एक और एप्लीकेशन दे दिया कि तुम सेल्फी निकालो, उसमें कुत्ते का मुंह लगा दो, सुअर का मुंह लगा दो या बिल्ली का मुंह लगा दो। आदमी अपने आप को क्या बनाते जा रहा है। बाइबल बोलती है ज्ञान बढ़ जाएगी और मनुष्य अब स्वार्थी हो जाएगा। ये इमोजी इतनी खतरनाक चीज आज इंसान के हाथ में आ गया है। ये ज्ञान क्या करती है आपको मालूम है? जब ये आपको किसी को कुछ भेजना हो, उसने कुछ जोक बोल दिया और आपको हंसना हो, तो आपने ये वाली भेज दी उसको। कौन सी? ये वाली भेज दी, है नहीं? हंस रहा है मतलब मैं हंस रहा हूं। अरे बेवकूफ तेरा हंसना भी बंद हो गया, इमोजी भेज के खत्म हो गई तेरी हंसने। डॉक्टर बोलते हंसने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन अभी ये भेज दी। अगर कुछ हो गया भाई, तेरा चाचा चाची मर गए तो ये वाली भेज देते, भाई रो रहा हूं। अबे तेरा रोना भी बंद हो गया। ज्ञान तेरे पास से क्या क्या चीज को बाहर निकाल रही है। हालेलुया। सो मसीह के अंदर आने के बाद बहुत सारी बातें हमारे समझ में आ गई। और ये इमोजीस ने क्या किया आपको मालूम है? परमेश्वर ने जो हमको दुख सहन करने की, हंसने की ये जो क्षमता दी है, इससे आदमी परा चला जा रहा है। एक आदमी आंसू बहाते हुए कार्टून को भेज दिए तो पूरा रोना खत्म हो गया, अब बाकी के काम वो खुद कर लेंगे। पहला ऐसा नहीं था, भैया रखो मेरे माँ का मुंह देखना है, बाप का मुंह देखना है, मैं आ रहा हूं, कुछ भी करो, अभी ये भेज दो, दुख हो गया। क्या कर रहे हम? ज्ञान हमको खुदा से दूर लेके चली जा रही है। आप मेरे साथ है? सो याद रखना, आप अपने मोबाइल में क्या यूज कर रहे हो। और ये इमोजीस ने मनुष्य के सुख दुख को निकाल कर दे दी, जानवर के समान हो गया इंसान। कितने लोग चिकन खाते हैं? चिकन लेने को कौन कौन जाता है? देखो आप चिकन लेने को जाओ और दुकान में जाकर बोले कितने चाहिए, बोले 1.5 किलो वाला मुर्गी निकालना। वो निकालता है अंदर हाथ डालकर, मुर्गी चौं चौं चिल्लाती है, वो पकड़ता है 1.5 किलो वाला, निकालकर वजन में रखता है। उसके बाद में बोलता है साहब इतना होगा, आप बोलते ठीक है, वो मरोड़ता है चाकू मारकर ड्रम में डालती है, वो तड़पता है, उसके बाद में आवाज बंद होती है, फिर वो उसको निकालता है, उसको छीलता है और बोलता है साहब छोटा बोटी करूँ या बड़ा बोटी करूँ। फिर वो बोटी मार मार कर थैले में डालकर आपको देता है। ये सब वो पिंजरे के मुर्गियां देख रही है, लेकिन एक भी मुर्गी रोती नहीं। क्योंकि रोना मुर्गी को नहीं आता, रोना आपको और मेरे को आता है। लेकिन ज्ञान ने क्या कर दिया? ये रोना हमसे निकाल दिया। मनुष्य का मन को ज्ञान ने कठोर कर दिया है। ये अंतिम दिनों के अंदर ज्ञान बढ़ने का संदेश है। लेकिन इंसान, एक आदमी रोड पर गिर गया, थोड़ी सी खून निकल गई और हमने खून देख लिया तो चक्कर आना शुरू होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा है जो उस आत्मा को एहसास कर सकता है। जानवरों में पक्षियों में आत्मा नहीं है,
वो खाली शरीर और जीवन है, लेकिन हम शरीर जीवन और आत्मा है। खुदावन ने कुत्ता बनाने के टाइम पे उसके नथनों में श्वास नहीं फूका, लेकिन इंसान बनाकर उसने अपना श्वास फूका। आप में मेरे में खुदा का आत्मा आया है चलने के लिए, इसीलिए खुदा हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। ये दुनिया दुनियावी बातें आपको प्रभु के प्रेम और मोहब्बत से दूर लेके चली जा रही है। ये प्रकृति को अगर आप देखोगे, ये भी खुदा की बातों को छानती है। जिस दिन यीशु क्रूस पर लटका हुआ था, बाइबल कहती है अंधकार हो गया। बड़ी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सूरज नहीं था। कहां गया सूरज? अरे सब परेशान हो गए, अंधेरा कैसे हो गया? धरती कांप रही थी। आपको पता है जब हमारा सृष्टिकर्ता क्रूस पर था, ये सूरज ने देखा, हो मेरा बनाने वाला क्रूस पर, मैं रोशनी नहीं दे सकता करके उसने अपनी रोशनी को छुपा लिया। चांद और सितारे भाग गए, सृष्टिकर्ता क्रूस पर लटका हुआ है। आदम के वाटिका में जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, उस समय आदम आया और बड़े बड़े नबी लोग आए, बोले प्रभु पाप मैंने किया, मुझे भेजो, मैं क्रूस पर जाता हूं। यीशु ने बोला तुम्हारे मरने से इंसान के पाप क्षमा नहीं होंगे। आदम ने बोला प्रभु मैंने गलती किया, मैंने वचन तोड़ा, आप क्यों जा रहे क्रूस पर, मुझे भेजिए, मैं मरने को तैयार हूं। प्रभु ने बोला आदम तू पापी है, एक पापी का खून पापी को नहीं बचा सकता, इसके लिए मुझे ही जाना है। सारे फरिश्ते निकल कर वहां से चले, और यीशु मसीह खुद भी जब कटोरे को देखा, कहा कि पिता ये कटोरा टल जाए, क्योंकि उस कटोरे में आपका और मेरा पाप है, आपका मेरा सिगरेट दारू तंबाकू जो व्यसन में आज की जवान पीढ़ी है, ये सब पाप उस कटोरे में थी। लेकिन मेरा प्रभु ने बोला पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। वो आपको और हमको खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने वो प्याला को पिया और क्रूस पर अपना जीवन को दे दिया। क्या उस खुदा के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। हालेलुया हालेलुया। टाइम हो रहा है, बाइबल कहती है दानियल की किताब में कि अंतिम समय के अंदर एक ऐसी घटना आएगी, और ये ज्ञान ने आदमी को एक एक्सप्लोसिव बनाने के लिए कहा, उसको कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब ज्ञान से बनाया गया, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब आज से 50 साल पहले जब हिरोशिमा जापान में गिरी थी, उस जगह में घास भी नहीं उगता, और इसके प्रदूषण से इतना भारी नुकसान हुआ। यही परमाणु आज अनेक देश अपने पास रखकर धमकियां दे रहे हैं कि हम परमाणु छोड़ देंगे, हम केमिकल वेपन छोड़ देंगे। ये बम जो है एक ऐसी बम है जो फटने के बाद उसका गैस जो भी आदमी लेगा वो खड़े खड़े उसकी चमड़ी गल के गिर जाएगी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे निकाला हुआ तस्वीर है। अभी आप बाइबल पढ़ के देखिए, ज़करिया की किताब 14 अध्याय उसका 12 वचन में देखो, यह एटॉमिक बॉम्ब के बारे में ज़करिया ने लिखा है कि एक दिन आदमी ऐसा बॉम्ब बनाएगा जिसके फटने से आदमी की आंखें पिघल जाएगी, आदमी का मांस पिघल जाएगा, खाली हड्डी ढांचा बना रहेगा, बाकी पूरे मां। देखो ज़करिया ने यह बॉम्ब को देखा है कि नहीं? आज से 2400 साल पहले नबी ने देखा कि ज्ञान जब बढ़ जाएगी तब ये वाला परमाणु आने वाली है। मिला आपको? सारे देश में विलाप होगा। हाँ। हर एक परिवार में अलग अलग। हाँ। अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग। हाँ। और उनकी स्त्रियां अलग। हाँ। नातान के घराने का परिवार अलग। ज़करिया पढ़ रहे हैं आप 14:12? जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है। हाँ। उन सबों को यहोवा ऐसा ही मारे से मारेगा जी कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। कैसे? खड़े खड़े मांस गल जाएगा। और
और उनकी आंखें, देखो उनकी आंखें अपनी गोलकों में, ये होल के अंदर ही आंखें पिघल जाएगी। ये कौन सा बम से होता है? न्यूक्लियर बम से होता है, बायोलॉजिकल बम से होता है। और प्रभु बोले जो इसराइल के साथ लड़ेगा उस दिन में ऐसा होगा उनका मांस खड़े खड़े गल जाएगा। जी इसराइल के साथ लड़ने के लिए आज युद्ध की पांती बांधी हुई है, आज युद्ध को इसराइल को मिटाने के लिए चारों तरफ देश खड़े हैं। कौन सा टाइम पे ये बम चल जाएगा हमें मालूम नहीं, लेकिन युद्ध तैयार है। और प्रभु ने कहा कि तुम इसराइल को देखते रहो, वो हमारा घड़ियाल है। जैसे आप घड़ियाल देखकर आप समय को देखते हैं, वैसे बाइबल का टाइम को अगर देखना है तो इसराइल को देखो, वो बाइबल का टाइमिंग है। प्रभु इसराइल के साथ जो करता है वो आपके और हमारे लिए एक बड़ा निशानी है। और ये ज्ञान एक ऐसी चीज को लेकर आएगी जो बड़ी ही भयानक होगी। आगे हम जाते हैं बाइबल में, एक और सबूत जो बाइबल हमें देती है इस अंतिम दिनों का ज्ञान के बारे में, वो है प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन के अंदर। ये बहुत बड़ी सबूत है कि प्रभु के दूत लोग अभी पृथ्वी में आने का टाइम हो गया है। कैसे हम जाने इसको, पढ़िए आपके बाइबल में। उनके सब उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जी, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सदोम कहलाता है। हाँ, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये कौन से शहर के बारे में बात हो रही है? प्रभु क्रूस पर कहाँ चढ़ाया गया? यस, इज़राइल, इज़राइल, यरूशलेम में प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया। उसी शहर की बात हो रही है प्रकाशित वाक्य में, जहाँ उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया था वहां ये दो नबियों को भी मारेंगे, और ये दो नबियों को मारकर इनकी लाशें डाल देंगे और इनको दफन करने को नहीं देंगे। और ये दो लोग 3 दिन तक इनकी लाशें जमीन में पड़े रहेगी, और शहर के लोग सब उसको देख के हंसी फेंट मजाक उड़ाएंगे। देखो खुदा के बंदे आए थे, आग बरसाया, पानी बरसाई, खून बना दिया, लेकिन अब देखो इनकी लाशें कोई नहीं गाड़ेगा, इनको ऐसे यरूशलेम के शहर में पड़ी रहेगी। और तब मेरा बाइबल कहता है दुनिया के हर आदमी उसको देखेंगे। पढ़िए आगे जो आप पढ़ा था अभी उसका आगे। और उनके शवों को कब्रों में रखने नहीं देंगे। हाँ, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मग्न होंगे जी, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे जी, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था जी। आगे, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठा जी, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए जी, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया जी। तब उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, हाँ, यहाँ ऊपर आओ। बस ठीक है, लोग गाड़ने नहीं देंगे, 3 दिन तक लाश पड़ी रहेगी, और बाइबल कहता है पृथ्वी के सारे लोग उनको देखेंगे। कैसे देखेंगे? इसराइल में हो रहा है वो घटना आप कैसे देखेंगे? मोबाइल, आपके घर में क्या आया है? हालेलुया, किधर की भी देखो अपने हाथ में न्यूज, पूरी वर्ल्ड की इमीडिएटली आपको आ जाएगा मैसेज। देखो दो नबी लोग पड़े हुए रास्ते पे, ये लोग बड़े बड़े काम कर रहे थे। बाइबल में लिखा है हर आदमी उनको देखेगा। आपको इसराइल जाने की जरूरत नहीं, आपके पास में टेलीविजन है अपने घर में, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आज सारी दुनिया टेलीविजन की पागल है। सास और बहू की झगड़े देखोगे तो घर में क्या होगा? हाँ जी, आपके बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे टीवी में माँ बाप के साथ मिलकर खून खराबा देख रहे हैं, बलात्कार देख रहे हैं, सारे अपराध देख रहे हैं, आपका बच्चा क्या करेगा फिर? क्यों आज हम लोग रोज अखबारों में ये पढ़ते हैं? जो टेबल पे बाइबल के अंदर संदूक की पेटी रखा था उस अमीनादाब के घर में प्रभु ने आशीष दे दी, आज वही टेबल में हमारे घर पे परमेश्वर का वचन होना चाहिए था, लेकिन 2.5 फुट की टेलीविजन बैठी हुई है। कहां से हमारे घर में आशीष आएगी? खुदा का वचन रखो तुम्हारे घर में आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया।
हम सवेरे उठे रात सोने देर रात तक सीरियल देखते रहो, यही एक माध्यम है कि ये दोनों नबी को सारी दुनिया देखेगी। और बाइबल में ये एक ही मात्र जगह है जहां इज़राइल को सदोम बोला गया है। क्या बोला गया है? पवित्र नगर को सदोम बोला गया है। प्रभु का अपना नगर है, वो अपना नाम को रखा हुआ नगर है, लेकिन प्रभु बोलता है ये नगर एक दिन सदोम बन जाएगी। हाँ जी, सदोम क्या बन रहा है? सदोम का मतलब क्या है? सदोम में क्या हुआ था? अभी कुछ समय पहले मैंने बताया, लोत वरिष्ठों के साथ जब घर में था, लोग आए सदोम के दरवाजा ठोके और कहे हमें वो पुरुष दे दे, हमें उसके साथ संबंध करना है। ये था सदोम। और बाइबल कहती है कि प्रभु के आने के टाइम जब ये दो नबी आएंगे, उस टाइम पे सदोम इज़राइल सदोम बन चुकी होगी। चलो, ये है समलिंग। आदमी आदमी औरत का कपड़ा पहन के घूम रहा है और औरत पैंट पहन के टी शर्ट पहन के आदमी बन के घूम रही है। जमाना उल्टा हो गया है। आदमी लंबे बाल करके चोटी पहन रहा है, रिबन पहन रहा है, लड़कियां बाल कटा के बॉबकट बन के मर्द बन रही है। कहीं ना कहीं तो हम देखते हैं आत्मा का बदलाव हो रहा है। आदमी ढीला पैंट पहन के धबक 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 उसके पैंट नीचे उतर के, अरे नया फैशन है अंडरवेयर दिखने वाला फैशन। अभी अभी स्पेन में कहीं तो $500 ₹500 फाइन है अगर किसी का अंडरवेयर दिया, कानून लगा दिया। मैं बोलता अपना गवर्नमेंट भी कानून जल्दी लाए तो ये अंडरवेयर भी बंद हो जाएगी जल्दी। क्या हरा धरे परिस्थिति क्या हो रही है? आदमी औरत की आत्मा ले रहा है और औरत आदमी की आत्मा ले रही है। और ये आज हमारे अपने देश में भी आगे बड़ी शर्मनाक है। ये सदम की कंडीशन होगी जब पुरुष स्त्री बनकर, अनुवाद की किताब 22वां अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। मैं अपने कलिशिया में जीन्स पैंट पहन के आने वाले लड़कियों को लेता नहीं चर्च में, कहता हूं घर जाओ। आज स्टेजों में बड़े बड़े चर्चेसों के स्टेजों में और लड़की पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट पहनी हुई है और वो हालेलुया नाच रही है। आज ये शर्म आनी चाहिए, खुदा के नजर में ये घृणित है। लेकिन लोग भरमा गए हैं, लोग सोचते हैं पैशन की दुनिया। नहीं, विश्वासी लोग बाइबल के अनुसार जीना है, पैशन के अनुसार नहीं जीना है। मैं जब भी कन्वेंशन में प्रचार करता हूं ये सोच के प्रचार करता हूं कि ये मेरी आखिरी कन्वेंशन है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आपके बाद में मुझे बुलाए ना बुलाए, मैंने सच्चाई बता के चला गया। वचन तुम्हारा न्याय करेगा। धन्यवाद है उन पास्टरों के लिए जिन्होंने ये मीटिंग लगाए, लेकिन साथ ही साथ ये वचन भी उनके चर्च में आना बहुत जरूरी है, तब तुम सर्वकालिक जीवन में दिखाई दोगे। मैं आज तुम्हें यहां देख रहा हूं, मैं तुम्हें वहां भी देखना चाहता हूं। हालेलुया, आप मेरे साथ है? एक दिन ऐसा हुआ, पास्टर जी बहुत तगड़ा प्रचार करने वाले थे, बहुत खुशी थी, लोगों को अच्छा भी लगता था, लेकिन ऐसा था कि वो बीच बीच में जोर के हालेलुया के नारे लगा देता। और वो चर्च बिल्कुल शांत वाली चर्च थी, बोले कि पास्टर जी आप प्रचार तो करो लेकिन हालेलुया मत बोलो, हम आपको एक जोड़ी जूता देंगे। बेचारा गरीब प्रचारक था, वो भी जूता के लालच में गया चर्च में प्रचार करने, पुलपिट में खड़ा हो गया, आत्मा से भर गया। उसने बोला हालेलुया, पीछे से पास्टर जी ने जूता बताया, नहीं दूंगा। उसने बोला ठीक है। वापस प्रचार करते करते आत्मा आ गई और उसने हालेलुया का हल्ले बोला, उधर से जूता बताया, उसने चुप हो गया। बोले क्या मुसीबत है। तीसरी बार आत्मा ऐसा उतर कर आया उसके ऊपर, उसने बोला जूता मिले ना मिले हालेलुया। हालेलुया, वैसा मुझे बुलाए ना बुलाए हालेलुया। आप मेरे साथ है? बस आपके जोश के लिए मैंने बात बोली। आगे जाएंगे हम लोग। अमेरिका का प्रेसिडेंट
अमेरिका के अंदर चर्च में एलजीबीटी का कम्युनिटी को बुलाकर पास्टर साहब को प्रचार करने के लिए मौका दिया, और आज पास्टर लोग अमेरिका के चर्च में इस बात के ऐलान कर दिए कि आदमी आदमी के साथ शादी करके चर्च में रह सकते हैं। एक दिन चर्च इसकी विरोध करती थी, लेकिन आज चर्च उसको अपनाने लगी। खाली यही बात नहीं, आप अगर अखबारों में पढ़ोगे तो रोमन कैथलिक इस बात को कह दिया कि अभी समलिंग करने वाले उनको धिक्कार मत करो, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, इसके लिए हमने भी लोगों से प्रेम करना है। हाँ जी, परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, पाप से प्रेम नहीं करता। तुम्हें पाप का खंडित करना जरूरी है, लेकिन लोगों से हमें प्यार करना है, क्योंकि हर मनुष्य जाति को खुदावन ने पैदा किया है। आप मेरे साथ हैं? जैसे ही वेटिकन से यह डीट हुई, इंडिया में सभी चर्चों ने मिलकर वेटिकन की बात लेकर अखबारों में छाप दिए कि अब हमारे चर्च में भी समलिंग लोग आकर बैठ सकते हैं, हम कोई उनके विरुद्ध में बात नहीं करेंगे, आप लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि वो भी खुदा की सृष्टि है। अगर पादरी साहब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे एक सवाल का जवाब दो कि क्यों आसमान से फरिश्ते नीचे उतर कर आए सदोम शहर को जलाने के लिए? अगर खुदा के नजर में यह ठीक था जी, आज हम लोग कलीसिया के तरफ देखेंगे तो कलीसिया कोई गलत जगह के अंदर चली जा रही है। आप मेरे साथ है? हालेलुया। अब दुनिया भर में इतिहास निकाला गया, सेंसस बताया गया कि कौन से देश में कितने होमोसेक्स लोग रहते हैं, उसके हिसाब से ऐसा माना गया। मेक्सिको में 4% है, मैड्रिड में 4-5% है, लंदन में 5% है, टोरंटो में 7% है, न्यूयॉर्क में 14% है, और इसराइल में 43% है। कितना? लगभग 50% इसराइल के अंदर होमोसेक्स है। क्या मेरा बाइबल नहीं कहता है अंत में सदोम बन जाएगा? बना है या नहीं? और जो मैं बातें बता रहा हूं ये आप नेट में गूगल में डाल के देखिए, सर्च करिए। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आप मेरे साथ है? जोर से नारे लगा हालेलुया। पास्टर ने दिया हुआ टाइम हो गया, लेकिन एक 10-15 मिनट मेरे को बोला था ज्यादा बात कर सकते हैं। मैं घड़ियाल को देख के चलने वाला आदमी हूं। सो आज आपके सामने मैं एक बात को रखना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनिए। एक बार बहुत बड़ी मैदान में सर्कस चल रही थी और तंबू के पीछे कहीं आग लग गई। इसको एक जोकर ने देखा और दौड़ता हुआ मैदान के अंदर आया और जोर से लोगों को बोला, आग लगी है, भाग जाओ जल्दी, आग लगी है, पीछे भाग जाओ जल्दी। लोग जोर जोर लगे। कौन बोल रहा है? जोकर की बात कोई मानेगा? ओ तालियां बजा। फिर जोकर ने बोला, जाओ आग लगी है तंबू में। लोग और जोर और आज ऐसा ही हो रहा है। पुलपिट में पास्टर प्रचार करते हैं, वो जोकर नजर आता है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, हमने देखा है कहीं से तंबू में आग लगी है, वो आग जल्दी भड़क कर यहां आने वाली है। ये मत सोचिए कि प्रचारक है, प्रचार करके चले जाएगा, बहुत कन्वेंशन हमने सुन लिए। ये आखिरी दिनों का संदेश है, ये साधारण प्रचार नहीं है। यीशु अच्छा है, यीशु दयालु है, यीशु पानी पर चला, यीशु मच्छी रोटी खिलाया, यीशु चमत्कार किया, ये वो वाला संदेश नहीं है। ये वो वाला संदेश है, यीशु भस्म करने वाला अग्नि है और यीशु आ रहा है दुनिया का न्याय करने के लिए। इसको कहते हैं अंतिम दिनों का संदेश। अब समय खत्म हो गया मजाक मस्ती का, समय आ गया सीरियस बनने का। मेरे खुदा को मैं क्या मुंह दिखाऊं जाकर? वो समय आ गया, क्योंकि वचन की पूर्ति हो चुकी है। आप मेरे साथ है? हालेलुया।
अब यूहन्ना 5 अध्याय में सिंहासन पे उसने बंद किताब देखी और वो फुट फुट कर रोने लगा, बोला कि कौन ये मोहर मेरे लिए खोलेगा, क्योंकि ये मोहर के अंदर इतनी सारी बातें छिपी हुई है। आप मुझसे पूछेंगे पास्टर ये सब आप कहां से लाए, अरे वो मोहर खुली हुई बंद किताब से मैं लाया हूं तुम्हारे पास। अगर तुम्हें चाहिए वो किताब तो वो किताब मैं भी तुम्हें दे सकता हूं, उन मोहरों की किताब में से मैंने ये सारी चीज निकाल के लाई है, क्योंकि मोहर खुल गया है। पर यूहन्ना बैठकर रोने लगा और कहा कि हाय मेरे लिए किताब कौन खोल कर देगा। और यूहन्ना जो फूटा तो यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ और मेमना जो उस किताब को लेने के लिए तैयार हुआ है, मेरा प्रभु यीशु मसीह गोत्र के रूप से सिंह बना और आपके और मेरे बलिदान के लिए मेमना बना। और वह लहूलुहान मेमना, मार खाया हुआ मेमना, जिसको 7 आंखें थी, ये 7 आंखें परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो 7 कलीसियाओं को भेजा गया है। और खुदावन इन 7 आंखों से पूरी पृथ्वी की बातों को देख रहा है। ये 7 आंखें परमेश्वर की 7 आत्माएं जो 7 युगों में भेजा गया है, और ये मेमना मेरे लिए मारा गया। जब ये मेमने ने उठा उस किताब को लिया तो वहां पर जो सिंहासन पे 24 लोग बैठे हुए थे, यहाँ 12 लोग, यहाँ 12 लोग, ये 12 गोत्र के लोग और ये 12 चेले लोग, मिलकर 24 लोग वहां सिंहासन पर बैठे हैं। वो लोग उठे और वो अपना मुकुट निकाल दिए और वो मेमने के सामने डाल दिए और वो गिर गया उनके मुंह और नमन करके कहने लगे, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। वो सिंहासन पर बैठे हुए मुकुट उठा के फेंक दिए, बोले अरे मेमना, तूने तो हमको ये सिंहासन पर बिठाया है, तेरे सामने हम मुकुट पहन के कैसे बैठ सकते हैं, कोई लायक नहीं, आसमान में भी नहीं, जमीन में भी नहीं, जमीन के नीचे भी नहीं। वो लोग घिर कर स्वर्ग में नया गीत गाने लगे, योग्य केवल तू। कौन गीत गाने लगे? प्राचीन लोग गीत गाने लगे, देवदूत लोग गीत नहीं गा सकते। अभी हमने गीत सुना ओपनिंग में, प्रभु तू बुलाता आजा, देवदूत लोग गीत नहीं गा सकते। जैसा मैं गाता हूं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, गब्रियल नहीं गा सकता ये गीत, क्योंकि गब्रियल ने पापी नहीं किया। ये गीत मैं इसलिए गा सकता हूं, आप इसलिए गा सकते हैं, क्योंकि हमने पाप किए और यीशु का लहू हमें बचाया है, इसीलिए यीशु के लहू की तारीफ हम करते हैं। लेकिन फरिश्ते नहीं कर सकते तारीफ। फिर वो लोग क्या करते हैं मालूम है? जब आप लोग गीत गाते हैं ना, वो फरिश्ते नीचे उतर के आते और आपकी गीत सुन के वो लोग भी मगन होते हैं, बोले अरे क्या तारीफ कर रहे हैं खुदा का, ऐसा तारीफ तो हम नहीं कर सकते। इसके बावजूद वो खुदा के सम्मुख में रहते हैं लेकिन वो तारीफ नहीं कर सकते। वो लोग खाली एक ही बात बोलते हैं, पवित्र पवित्र, 24 घंटा एक ही शब्द बोलते हैं, लेकिन आप और हम अरे गाने के ऊपर गाना गाते रहते हैं, क्योंकि आपको और हमको प्रभु ने आराधना करने का समय दिया है। बोलो हालेलुया। सोचो परमेश्वर का मेमना है ये, परमेश्वर का मेमना। आप मुझे जवाब दीजिए एक ही आवाज में और सब लोग मिलकर, बहुत आसान है। परमेश्वर का मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए कौन? अब बाइबल में लिखा है मत्ते 1:23 के अंदर, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। कौन है वो इम्मानुएल? यीशु मसीह। फिर बाइबल में लिखा है यूहन 1:29 के अंदर, देखो परमेश्वर का मेमना जा रहा है, कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा है जॉन 6 अध्याय उसका 35 वचन में, मैं जीवन की रोटी हूँ, कौन है वो? यीशु मसीह। उसके बाद बाइबल में लिखा है मत्ते 16:16 के अंदर, तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस ने कहा तुम मसीहा है, कौन है वो मसीहा? यीशु मसीह। फिर उसके बाद प्रकटीकरण 2:18 में लिखा है वो परमेश्वर का पुत्र है, कौन है वो परमेश्वर का पुत्र? प्रभु यीशु मसीह। फिर लोग नहीं बोल रहे, बोले प्रभु यीशु मसीह, जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह,
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। फिर योहान 8:12 में लिखा है, जगत का ज्योति मैं हूं। कौन है वो जगत की ज्योति? यीशु मसीह। फिर अब प्रकटीकरण 19:16 में लिखा है, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। कौन है वो? यीशु मसीह। फिर आप देखेंगे प्रकटीकरण 22:16 लिखा है, वो भोर का तारा है। कौन है वो भोर का तारा? प्रभु यीशु मसीह। अगर आपको बाइबल में यीशु नहीं मिलता, बाइबल वापस से पढ़ो। बाइबल का हर वचन आपको यीशु के पास लेके जाएगी, क्योंकि यीशु ही वचन देहधारी होकर ये धरती में चला आ गया। आप मेरे साथ है? अब यूहन्ना को प्रभु बोलता है प्रकटीकरण 22:10 के अंदर, क्या बोलता है देखिए, यूहन्ना 22। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को, इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। हाँ, बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है, क्योंकि समय निकट है जो अन्याय करता है। हालेलुया। हमने शुरुआत कहां से करी थी? प्रभु ने दानियल को बोला था, ये लिखी हुई बातों को मोहर देकर बंद कर दे। खत्म किधर कर रहे हैं हम लोग? अभी जो लिख रहा है उसको बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। किताब खुल गई, ये बंद करने का समय नहीं है, ये किताब को लेने का समय है। दानियल के समय प्रभु ने बोला बंद कर, लेकिन प्रकाशित वाक्य में प्रभु बोलते यूहन्ना को, अभी मत बंद कर, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। खुदावन आप सबको बढ़िया आशीष दे। सब लोग जोर से हालेलुया बोलेंगे। अगर आपको आज समझ में आ संदेश, तो जोर से तालियां प्रभु की महिमा के लिए। सब लोग उठ के खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। और मैं एक छोटा सा गीत गाता हूं, चाहूंगा कि आज जो लोग अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं और ये मानते हैं कि प्रभु का आना निकट है, अपने जीवन को तैयार करो। आओ पश्चाताप करो,